हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़िवामी की दो ब्रा का रिव्यू जो मैंने रिसेंटली ज़िवामी की द ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल सेल ने परचेस किया था। तो गाइस, आप लोगों को पता है ज़िवामी की जो द ग्रैंड लॉन्जरी फेस्टिवल सेल होती है ना, इतनी अच्छी आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाती है लॉन्जरी आइटम में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस सेल में मैंने भी परचेस किया है दो ब्रा, जिसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये दोनों ब्रा मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट मैंने यहाँ पे ज़िवामी की एक बेसिक पुशअप ब्रा मैंने परचेस किया है, जो कि ब्लैक कलर में है। तो मेरे पास ब्लैक कलर की एक ब्रा थी बहुत टाइम पहले ज़िवामी की, बट वो ना ख़राब हो गया था। तो मुझे एक नया सा ब्लैक कलर की ब्रा मुझे चाहिए था, बिकॉज ब्लैक कलर जो है ना बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। तो ये एक पुशअप ब्रा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम्फर्टेबल एंड लाइटली पैडेड आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। गाइस, इसकी पैडिंग की क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट और पैड यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ये वायर्ड ब्रा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वायर भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको मिलती है। तो मैं हमेशा वायर ब्रा ही वेयर करती हूँ। एंड इसकी जो लाइनिंग है गाइस, इतनी ज़्यादा स्लिमलेस है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लिमलेस लुक आपको मिलती है। एंड यहाँ पे इसकी जो स्ट्रैप्स है गाइस, वो डिटैचेबल है, तो अगर आप चाहे तो इस ब्रा को बिना स्ट्रैप्स के भी वेयर कर सकते हो किसी भी आउटफिट के साथ। तो मुझे इसकी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। इसकी जो फैब्रिक है कॉटन, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैब्रिक की है, बहुत ही ब्रीथेबल है। एंड इसकी क्वालिटी तो गाइस इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसकी हुक्स की क्वालिटी, सारे जो स्टिचिंग वगैरह है, एवरीथिंग इज़ सो गुड, आप खुद देख सकते हो बहुत ही अच्छी है। तो गाइस, ये जो पुशअप ब्रा है ना, ये बेसिकली जो डीप नेक टॉप होती है या ड्रेसेस होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। एंड मुझे पर्सनली पुशअप ब्रा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे मेरी जो साइज़ है वो है 34C। एंड यहाँ पे इसकी MRP आप देख सकते हो 995 रुपीज़ इसकी MRP है, बट मैंने सेल टाइम में ये ब्रा ओनली 299 रुपीज़ से मैंने परचेस किया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी ब्रा है। बट गाइस, यहाँ पे इस ब्रा की जो कवरेज है ना, वो बहुत ही मीडियम है। तो अगर आपकी बहुत हैवी ब्रेस्ट है तो ये आपको इतनी कवरेज नहीं देगा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपकी बस्ट साइज़ ज़्यादा है, मतलब कि लार्ज है, तो आप ये ब्रा अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज इससे आपको इतनी सपोर्ट भी नहीं मिलेगी एंड कवरेज भी बहुत ही मीडियम है। बट जिसकी बस साइज स्मॉल है, उसके लिए ये पुशअप ब्रा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है एंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैंने परचेस किया है एक टी शर्ट ब्रा। तो मुझे टी शर्ट ब्रा डेली बेसिस पे वेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड बहुत ही कंफर्टेबल भी होती है। तो ये एक वायर्ड एंड लाइटली पैडेड टी शर्ट ब्रा मैंने परचेस किया है। एंड इस बार मैंने थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन का मैंने परचेस किया है। आप देख सकते हो ये एक प्रिंटेड ब्रा है। तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइटली पैडिंग, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है। आप देख सकते हो इसकी जो पैड है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाइटली पैडिंग, हैवी पैड बिल्कुल भी नहीं है, लाइटली पैडिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड ये भी वायर्ड ब्रा है, तो यहाँ पे भी आपको वायर्ड मिलती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिलती है। एंड इसके डिज़ाइन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। एंड प्रिंट आप देख सकते हो, इसकी लाइनिंग भी बहुत ही सीमलेस है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी जो फैब्रिक है गाइस, फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, कॉटन फैब्रिक यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको एक बहुत ही प्यारा सा लेस की डिटेलिंग आपको मिल जाती है व्हाइट कलर की, जो कि मुझे अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इसकी डिज़ाइन। एंड इसके बाद यहाँ पे इसकी स्ट्रैप्स आप देख सकते हो, इसकी जो स्ट्रैप्स है वो डिटैचेबल नहीं है, यानी इसकी स्ट्रैप्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो मुझे इसकी डिज़ाइन एंड क्वालिटी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ये टी शर्ट ब्रा है, तो आप इसको डेली बेसिस पे टी शर्ट के साथ, टॉप्स के साथ, कुर्ता के साथ, कुर्ता सेट्स के साथ, सभी के साथ वेयर कर सकते हो आराम से। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये ब्रा। एंड यहाँ पे भी मेरी जो साइज़ है वो है 34C। एंड यहाँ पे इसकी MRP आप देख सकते हो, बट ये जो ब्रा है ना, ये मैंने ओनली 255 रुपीज़ से मैंने परचेस किया है गाइस।
इतनी अफोर्डेबल प्राइस में, ओनली 255 रुपीस में ये ब्रा बहुत ही ज़्यादा वर्थ थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, डेली यूज़ के लिए ये ब्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस ये दोनों ही ब्रा ना मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड ये दोनों ब्रा अंडर 299 के अंदर है, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप भी चेकआउट कर सकते हो ये दोनों ब्रा, इसका जो परचेस लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।